हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर विद स्माइल्स। तो आज हम आए हुए हैं लोनावला और हम लोगों का घूमने का प्लान है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर स्टे कर लेते हैं। तो हम लोग आए हैं होटल अरिस्टो जो कि लोनावला में है और ये रूम बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर एक व्लॉग बन सकता है जो कि आप लोगों को भी हेल्प होगा कि रूम कहाँ पर रहना है लोनावला में, रूम कहाँ से मिलेगा। तो आज मैं इसका एक क्विक टूर करने वाली हूँ, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोलूँगी और रूम भी दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये है अरिस्टो का सुपर डिलक्स एसी रूम जहाँ पर इन्होंने क्वीन साइज दो बड़े बेड प्रोवाइड किए हैं। और रूम का इंटीरियर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। तो फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग टेबल प्रोवाइड किया है और यहाँ पर ड्रॉवर्स में मेकअप ऑर्गेनाइजर भी प्रोवाइड किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डोर के एकदम नज़दीकी एक वार्डरोब प्रोवाइड किया है, काफ़ी बड़ा है, यूजफुल है, यहाँ पर आप अपने क्लोथ्स सामान रख सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉशरूम एरिया है, अगेन एक मिरर है और शार एरिया भी काफ़ी बड़ा है, हाइजीनिक बाथरूम है। यहाँ पर ओपन बालकनी दी है इन्होंने जो कि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। पीछे जो आपको दिख रहा है वो लोनावला एक्सप्रेस वे है जहाँ से एक कार पास हो रही है। और यहाँ पर आसपास काफ़ी बंगलोज है, ग्रीनरी है और प्राइवेसी है यहाँ पर, क्योंकि मतलब एक्सप्रेस वे नज़दीक होने के बावजूद इट्स नॉट टू नॉइजी, तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया होटल अरिस्टो का रूम टूर। और होटल अरिस्टो ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जहाँ से आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस नज़दीक पड़ेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस वे से ये काफ़ी नज़दीक है और आपको यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीता वॉल्वोज या फिर रिक्शा स्टैंड 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आपको यहाँ से मैप्रो गार्डन पास में पड़ेगा और एक न्यूली ओपन्ड मिस्टर बीन ट्रैम्पोलिन पार्क है, वो भी आपको यहाँ से बहुत 5 to 10 मिनट डिस्टेंस पर है। और यहाँ से आपको वैक्स म्यूज़ियम बहुत पास है, आपको जो फेमस किनारा होटल है, जो रेस्टोरेंट है, वो भी बहुत पास में पड़ेगा। और काफ़ी सारे आजू बाजू में रेस्टोरेंट्स है, जैसे कि फेमस होमली मम्मीज़ फूड, मम्मीज़ होमली फूड आई गेस नाम है उसका, वो भी काफ़ी पास है। और अगर आपको जैसे कि चिकन थाली हो गया, फिश थाली हो गया, ये सब खाने का अगर शौक है ना, तो एक रानवारा पाटिलवाड़ा करके एक ढाबा बोल सकते हैं या रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, वो है, उसका एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा है। और यही होटल क्यों, आजू बाजू तो बहुत सारे होटल्स रहेंगे पर यही क्यों, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और उसी में आपको ये लोग बहुत बड़ा स्विमिंग पूल प्रोवाइड करते हैं और रूम्स भी काफ़ी इनके स्पेशियस है। और मेन चीज़ है कि इनका खुद का रेस्टोरेंट है जो कि फ़ूड क्वालिटी बहुत अच्छा है, रूम सर्विस अच्छा है, ये लोग फूड प्रॉपर तरीके से पैक करके रूम में प्रोवाइड करते हैं, वो एक मुझे अच्छी बात लगी जो कि काफ़ी हाइजीनिक होता है। और बजट फ्रेंडली का मतलब है ये आपको ऑलमोस्ट 1500 के आसपास मिलेगा जो कि काफ़ी एक रीज़नेबल प्राइस आपको पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये था होटल अरिस्टो का एक क्विक टूर, इसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, होटल का लिंक रहेगा, उसका फ़ोन नंबर भी रहेगा। और आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी इसके बाद दिखाऊँगी, बजट फ्रेंडली होटल्स दिखा पाऊँगी। तो बाय बाय।